क्लास वंस अगेन वेलकम। और आज क्लास काफ़ी ये क्लास काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट होने वाली है, और इसमें आपको मैं बताऊंगा डिस्काउंट। ये लास्ट जो डिस्काउंट हमने पढ़ा था, ये डिस्काउंट पार्ट टू है। और इस पार्ट टू के अंदर मैं आपको क्या बताऊंगा कि नॉर्मली क्या होता है कि हम जब माल लेते हैं, एक होता है प्रत्येक प्रोडक्ट पर डिस्काउंट, 10%, 20%, 15%, 8%। और क्या होता है कि कई बार हम जैसे जो भी हम माल खरीदते हैं तो जो टोटल बिल बनता है 1 लाख का, 2 लाख का या फिर 20,000 का, उस पर बिल के ऊपर डिस्काउंट होता है। तो जो बिल पर डिस्काउंट होता है उसका आपको थोड़ा नॉर्मल ही थोड़ा अलग हम वे करते हैं, उसमें वे में हैंडल करते हैं उसको। तो हम क्या करते हैं, अगर हम पूरे बिल पे डिस्काउंट हमें लगाना है तो डिस्काउंट के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेज़र बनाएंगे डिस्काउंट का। वो लेज़र बनाने के लिए हम जाएंगे कहाँ पे, क्रिएट के अंदर। क्रिएट में मैं लेज़र क्लिक किया मैंने और मैंने इंटर प्रेस कर दिया। अब लेज़र बनाऊंगा डिस्काउंट का। क्लास मुझे बताओ, जब आप माल परचेज करते हो, तब क्या करते हो, माल परचेज करते हो तो हम क्या करते हैं, डिस्काउंट आता है, माल परचेज किया, डिस्काउंट हमारे पास आया। तो डिस्काउंट, अगर आपने माल खरीदते टाइम आपको डिस्काउंट मिला तो आपके लिए एक इनकम है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम। और ये मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। मैं जाऊँगा बैक, बैक, लेज़र बनाने के बाद मैं वाउचर में गया, और ये लास्ट वाली क्लास की है, तो लेज़र 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 या फिर जो हम आपका इन्वेंट्री इन्वेंट्री मास्टर, वो ऑलरेडी क्रिएट किए हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जैसे कि केस में यहाँ पे पार्टी का नाम आ जाएगा, केस यहाँ पर कैसा जाएगा, और यहाँ पर जा गया। अभी यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जैसे कि मैंने सीपीयू डाल दिया, तो लास्ट वाले क्लास में मैंने क्या किया था, जैसे सीपीयू थी वो था आपके 10, और रेट थी आपके 10,000, और मैंने यहाँ पे डिस्काउंट डाला था, कितना डाला था मैंने, 10%। और यहाँ पे आया था, सेकेंड नंबर पे आएगा था आपका माउस। माउस में क्या आया था, जैसे कि माउस थे मैंने डाले 10, और 350 रेट थी, तो यहाँ पे क्या था, इसमें डिस्काउंट था, कितना था, 20%। तो ये तो चलो हमने लास्ट वाली क्लास में समझा था, और आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आ गया होगा समझ में। अभी क्या है कि ये हमने यहाँ तक हमने लास्ट वाली क्लास में पढ़ा, तो क्लास अब यह देखो कि यहाँ पे बिल कितने का बना है आपका, 92,800 रुपीज़ का। जो बिल आपका 92,800 रुपीज़, 52,800 रुपये का जो आपका बिल है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो ये बिल आएगा तो आप 800 रुपये पे करना नहीं चाहोगे। आप करोगे तो 90 ही करोगे या 92 कर दोगे, अगर सामने वाला थोड़ा सा नेगोशिएट नहीं करना चाहेगा, बट आप यूजली 800 रुपये पेमेंट नहीं करोगे। आपका क्या करोगे कि 800 का डिस्काउंट मुझे और चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि जैसे कि ये जो ये ना किसी प्रोडक्ट पे नहीं होता, पूरे बिल पे होता है। तो पूरे बिल पे डिस्काउंट लगाने के लिए क्या होता है, देखो ये लाइन है, एक लाइन है यहाँ पे, हम इंटरप्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक नई लाइन आ जाएगी स्टॉक आइटम के लिए, बट आप फिर से इंटरप्रेस करेंगे तो हम नीचे आ जाएंगे, मतलब इस जो लाइन थी ना उससे नीचे आ गए। अभी जैसे नीचे आए तो यहाँ पे लेजर आ गया, तो लेजर में हम चूज़ करेंगे डिस्काउंट का। तो ये जो लाइन है उसके नीचे डिस्काउंट आ जाएगा। अब डिस्काउंट कितने का था, 800 रुपये का, 92,800 रुपीज़ है। तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा आपको, मतलब आपने फोर्सफुली ले लिया, कितने का ले लिया आपने, 800 रुपये का। तो यहाँ हम टाइप करेंगे 800 रुपये, और मैंने प्रेस किया इंटर। तो क्लास कितना अमाउंट आ जाएगा यहाँ पे, 92,800 रुपीज़, और नीचे कितना आ जाएगा डिस्काउंट, 800 रुपीज़ का। बट ये मुझे सही नहीं लग रहा, क्योंकि बिल कितना था पहले का, 92,800 का, अभी कितना हो गया, 93,600। मतलब ये क्या हो गया, डिस्काउंट कम होने के बजाय एड हो गया। तो ये हम नहीं चाहेंगे, मतलब क्या होना चाहिए, 800 रुपये यहाँ पे कम होना चाहिए, बल्कि यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वापस हम बैक जाएंगे, और ये जो 800 रुपये हमने लिखा है ये हम लिख देंगे -800। तो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे यही कितना जाएगा, 92,000 आ जाएगा। तो क्लास जब भी आप डिस्काउंट लगाओ यहाँ पे तो नॉर्मल लगेगा, और जब आप डिस्काउंट लगाओ पूरे बिल पे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा। तो जैसे ये माइनस में आ जाएगा, ये क्या जाएगा, ये जो अमाउंट है ये इसमें से माइनस हो जाएगा। सिंस माइनस हो गया, कितना जाएगा, 92,000 रुपीज़ आ जाएगा यहाँ पे। तो अगेन मैंने पहले बताया था कि आपकी क्लास क्लास काफ़ी सिंपल है, शॉर्ट क्लास होने वाली है, तो ये मैंने यहाँ पे इसको आराम से फिल कर दिया। ओके, क्लास मैं एक बार आपके लिए रिकैप कर दूँ कि नॉर्मली जब भी हम डिस्काउंट का यूज़ करेंगे, तो अगर एक आइटम पर डिस्काउंट लगाना है तो आप ऐप वगैरह प्रेस करके आप ड्यू डिस्काउंट कॉलम जो यहाँ पे सेकंड लास्ट में आएगा आप उसको यस करोगे, और यस करने के बाद में डिस्काउंट कॉलम आ जाएगा जिसका आप आराम से यूज़ कर लो, कुछ खास इसमें इतना कुछ खास हार्ड नहीं है। और जब आपको पूरे बिल के पे डिस्काउंट लगाना है तो डिस्काउंट कॉलम मतलब नीचे नीचे लेजर नीचे जो लेजर स्टॉक के बाद में लेजर का फिर से आपको पूछता है, तो लेजर के अंदर आप लेजर फिल करोगे और अमाउंट आप माइनस में डाल दोगे। अगर परसेंटेज भी दिया हो पूरे बिल पे तो वो भी माइनस में आ जाएगा, और फिर वो क्या आ जाएगा, अमाउंट एड होने के बजाय क्या आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, मतलब कम हो जाएगा वो। तो ये आप ध्यान रखना, बस आपको ये ध्यान रखना कि वो अमाउंट आपको माइनस में फिल करना है। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो।